Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Next, we are going to start our next lecture. Genetics. हमने ये start किया हुआ था और उसमें हम लोगों ने जो है वो lecture 100 cover कर लिया था क्योंकि हमें उसकी revision थोड़ी सी कर देता हूँ. उसके बाद फिर हम वो हमारे lecture next lecture की तरफ move करेंगे. अच्छा, इसमें जो है हम लोगों ने एक तो terminology जो content था उसको हम लेके चलना था, जिसमें हमने जो है डेफिनेशंस थी, कुछ जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन थी जेनेटिक्स वो हमने की. उसके बाद हमने जो है ये सारी उसमें आ जाते हैं, जंपिंग जीन्स के बारे में पढ़ा, मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया, ठीक है. मैंने हाइब्रिड क्रॉस के बारे में था हमारे पास, ये रेशियोज हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये आपने याद रखनी है MCQs के लिए. उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखा था और फिर उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश की कि इस तरह से हम इसको करते हैं. उसके बाद हमने जो है टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ा, डोमिनेंस रिलेशंस के बारे में पढ़ा, इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस इसके बारे में एग्जाम्पल्स हमने ली. फिर हमने को डोमिनेंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ओवर डोमिनेंस के बारे में पढ़ा और लास्ट में हमने कंपेरिजन किया था इनका. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज हमारे पास मल्टीपल एलील्स. As word suggests that it is multiple alleles means, ठीक, if a gene, ठीक है, एक gene है और उसकी more than 2 alleles है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे, multiple alleles. और ये possible है, जिस तरह हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, ये R gene है, let's suppose, तो ये capital R, small R, ठीक है, ये दोनों क्या है, अलील्स हो गई, ठीक है, यानी कैपिटल आर कैपिटल, ये अब अलील्स हो गई. अब अगर मैं ये कहूँ कि ये कैपिटल आर डैश है, ये कैपिटल आर ये भी है, ये कैपिटल आर जो है वो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये कैपिटल आर इस तरह से भी है, ठीक है, ये सिंपल भी है, फिर ये स्मॉल आर है, फिर उसके बाद स्मॉल आर डैश. अब ये क्या हो गई, जीन आ रही है मगर उसकी मोर देन वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील जो वो एग्जिस्ट कर रही है, मोर देन टू अलील्स इसमें होंगी, उन्हें हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स. समझ आ गई. और इवन याद रखिएगा कि वन जीन में हैव, याद रखिएगा, अबाउट 300 अलील्स, यानी एक जीन की 300 अलील्स भी डिफरेंट हो सकती है. और अब अलील डिफरेंट होने का पर्पज क्या है कि उसकी जो फिनोटाइप होगी हर एक की वो डिफरेंट होगी. अगर एक जीन है उसकी 300 अलील है, उसका मतलब क्या है कि उसकी 300 फिनोटाइप पॉसिबल है. समझ आ गई, इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स. इसमें एग्जांपल जो है वो हम कोट करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की. सबसे पहले तो ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास क्या है, ये एक्चुअल में कैरल लैंडस्टेनर ने जो है 1901 में जो इसको आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था. इसमें याद रखना हमारे पास क्रोमोसोम 9, ठीक है, किस पे, क्रोमोसोम 9. एंटीटेस्ट का सवाल है, पूछ सकते हैं कि जी जो हमारे पास एबीओ की जीन कहाँ होती है, क्रोमोसोम 9 पे, कौन सी होती है, आई जीन. समझ आ गई, तो आई जीन हमारे पास जो है, याद रख लीजिएगा, ये मेनी फॉर्म्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है, उसे हम कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिक जीन. याद रख लीजिएगा, इसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिक जीन, ये एक टर्म है थोड़ी सी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है. तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय अ सिंगल जीन and that single gene is polymorphic gene, जो कि किस पे है, क्रोमोसोम 9 पे एग्जिस्ट करती है, ठीक. अब म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तो म्यूटेशन हमारे पास क्या आती है, जिसमें जो है चेंजेस हो जाती है डीएनए के अंदर. अब हमारे पास आई जीन में बेनिफिशियल म्यूटेशन हुई है, दो तरह से म्यूटेशन हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है. तो म्यूटेशन हुई जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, आई ए, आई बी और स्मॉल आई जो हमारे पास बना, ये तीन डिफरेंट एलील्स बन गए, किसकी, जो हमारे पास जीन आई थी जो कि क्रोमोसोम पे, याद रख लीजिएगा, हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट कर रही है. अब हमारे पास एक चीज याद रख लीजिए, ये एग्जांपल में आ जाता है किसके, मल्टीपल एलील्स, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील में जो है वो हमारे पास आ जाता है. अब यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको बताता जाता हूँ, ठीक है, अगर ये कैपिटल आई, कैपिटल आई, यानी इस फॉर्म के अंदर है, ठीक
ठीक है, अगर ए आई आई ए हमारे पास है और आई ए है, ठीक है, तो याद रखना कि ये बनाती है एक्चुअल में एंटीजन ए, समझ आ गई, तब रहेगी एंटीजन ए, और जो रेड ब्लड सेल होगा उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन ए लगेगी, समझ आ गई, अगर ये जीनोटाइप है। अगर हमारे पास बी हो तो बी एंटीजन बनेगी और रेड ब्लड सेल की सरफेस पे बी एंटीजन आएगी, ठीक, ये इंडिकेट करेगी हमारे पास कि ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास स्मॉल आई अगर हो, अब स्मॉल आई नो एंटीजन, कोई एंटीजन जो है वो नहीं बनाती, इसका मतलब है रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कोई एंटीजन एग्जिस्ट नहीं करती, नो एंटीजन। अच्छा, अब अगर हो आई ए आई बी, हमने लास्ट लेक्चर में कोडोमिनेंस के अंदर पढ़ा था कि अगर ए बी इकट्ठा भी एग्जिस्ट करता है, तो अब ए बी होगा तो उस सूरत में एंटीजन ए भी बनेगी, बी भी बनेगी और रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर ए बी एंटीजन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, समझ आ गई इस बात की, ठीक हो गया। तो अब अगर हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करें, ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करें कि हमारे पास एक पर्सन है उसमें जो एंटीजन होगी वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, अगर हम बात करते हैं ये, ठीक है, तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, इसके में ब्लड ग्रुप क्या होगा बी, इसमें क्या होगा ए बी और इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ होगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने लगा, जरा गौर से सुनना इसको, आप याद रखना, इसमें मैं लिख देता हूं एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होती है याद रख लीजिएगा, एंटीजन, एंटी एंटीबॉडी से निकला है, जन कहते हैं जनरेटिंग, यानी वो चीज जो एंटीबॉडी बनाएगी। अब ए के रिस्पांस में गौर से, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए के रिस्पांस में एंटी, यानी एक पर्सन है उसकी उसकी बॉडी में ए एंटीजन है, उस बंदे के ब्लड के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होगी, यानी दूसरे वाली एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी, यानी अगर ए के खिलाफ होती तो ये तो फिर अपने ही, यानी फर्ज करें ए के खिलाफ होती तो इसमें तो इसको डिस्ट्रॉय कर देना था, तो ये याद रखना कि इसके अंदर बी के अगेंस्ट होगी, समझ आ गई। इसी तरह बी अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप है उसमें बी एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होनी है भला, गेस करें, अब बी ए के अगेंस्ट होनी है उसके अंदर, ठीक है, तो एंटी ए एंटीबॉडी होगी, ठीक। अब इस बंदे में एंटीजन ए भी है एंटीजन बी भी है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए, शाबाश, सोचे सोचे जरा, ठीक है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि दोनों एंटीजन एग्जिस्ट कर रही है तो नो एंटीबॉडी, ठीक, और अगर नो एंटीजन, अब इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो इसकी बॉडी के अंदर ए एंटी एंटी ए एन एंटी बी एंटीबॉडी दोनों ही मौजूद होंगी, क्यों, क्योंकि इस बंदे के बॉडी के अंदर अगर हम ए वाला ब्लड एड करेंगे तो ये एंटीजन इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, बी वाला करेंगे तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ये याद रखना है, तो इसलिए हमारे पास एंटीजन आ जाता है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट लेके जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस सिंपल, ये एक तो है, ये आपने जो याद रखना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास हमने क्या कहा, एंटीजन ए अगर एक पर्सन है उसकी जीन टाइप ये है और उसके में, अब एक और सेंस में भी इसको लिखा जा सकता है, कैसे, ये जो स्मॉल आई है ये रिसेसिव होती है, तो हम जो है हमारे पास जो ये आपकी है जिसको हम कह रहे हैं ए ब्लड ग्रुप, इट्स जीनोटाइप मे बी कैपिटल आई ए स्मॉल आई, समझ आ गई, क्या होगी हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल ए विद स्मॉल आई, अब ये क्या करेगी, इसको डोमिनेट कर देगी, ठीक है, रिसेसिव मास कर लेगी, इस तरफ बी अगर ये आ जाए उसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप एंटीजन ब्लड ग्रुप ए है और उसका मतलब उसमें एंटीजन ए हो सकती है, तो वो एंटीजन किसके रिस्पांस में प्रोड्यूस हुई होगी, आई ए आई ए आई ए स्मॉल आई के रिजल्ट में। इसी तरह अगर हमारे पास आई बी होगी, ठीक है, या आई बी स्मॉल आई होगी तो उस सूरत में एंटीजन बी बनेगी और ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा,
इसी तरह एंटीजन आई ए सॉरी जीन आई ए एलील और आई बी होगी तो एंटीजन ए और बी दोनों बनेगी और ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारे पास ए बी होगा। इसी तरह स्मॉल आई होगा तो कोई भी एंटीजन नहीं बना रहा होगा, तो कोई भी एंटीजन नहीं बना रहा होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा हमारे पास के जो पर्सन है उस पर्सन की बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगी और एंटीबॉडी इसके अंदर दोनों होंगी। तो एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होती, याद रखना कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज होती है ये भी याद रखना है, समझ आ गई इस बात की ठीक, और कौन सा ऐसा है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है ये भी आपने याद रखना है, ये भी वाला क्लियर हो गया। अच्छा आगे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि जो है वो कौन सा पर्सन किसको ब्लड जो है वो दे सकता है और किस तरह से। ये देखिए अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप है ए ठीक है, एंटीजन और रेड ब्लड सेल कौन सी होगी ए होगी, कैन डोनेट, अब ये ए किसको ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है इस बॉडी के अंदर, समझ आ गई इस पर्सन के अंदर। अब ए बी को कैसे दे सकता है ठीक है ये जरा देखते हैं, अब गौर से देखना मैं यहाँ पे एक ही एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ बाकी आप लोगों ने ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। एक पर्सन है ठीक है, उस पर्सन के रेड ब्लड सेल में एंटीजन ए है और उसमें एंटीबॉडी कौन सी होनी बोला, मैं इसको एंटीबॉडी आई जी ए सॉरी आई जी बी होगी इसके अंदर ठीक है ये लिख देता हूँ। अब हमने ये ब्लड जो है वो ए को देना है, अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है उसका मतलब है कि ये तो सेम होगा ना इससे ठीक है सेम होगा, अगर मैं कहता हूँ ए बी है जब हम ए बी को देंगे तो अब ए बी में ठीक है नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन एग्जिस्ट नहीं करती, अब ए बी में कोई भी एंटीजन नहीं है इसका मतलब है ये इजीली ये वाला जो ब्लड है ए वाला ये बी ए बी को दिया जा सकता है, समझ आ गई, तो इसको हम डोनेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर ये जो आई जी बी है यानी एंटीबॉडी बी है इम्यूनोग्लोबुलिन बी है ये ए के अंदर तो मौजूद है, जब आप इसको देंगे तो इस बंदे के अंदर यानी जो ए बी रखने वाला रेड ब्लड सेल होगा यानी पर्सन होगा ए एंड बी तो चांस नहीं है कि ये जो एंटीबॉडी है ये जाके इसको डिस्ट्रॉय कर दे यानी इसको कैप्चर कर ले इसके साथ इस तरह से ब्लड डोनेशन बना ले। तो याद रखना यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ठीक है ब्लड डोनेट करते हैं दो सूरतें होती हैं, ये है डोनर ये है रिसिपियंट, जो डोनर ब्लड देने वाला पर्सन है उसमें एंटीबॉडी एग्जिस्ट कर रही है ठीक है उसमें एंटीबॉडी एग्जिस्ट कर रही है आईजी। अब दो तरह से हम उसको जो है वो करते हैं, एक होती है स्मॉलर ट्रांसफ्यूजन एक होती है लार्जर ट्रांसफ्यूजन ठीक, स्मॉलर ट्रांसफ्यूजन या लार्जर ट्रांसफ्यूजन। स्मॉलर ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है कि अगर हम थोड़ा ब्लड दे रहे हैं, आपने देखा होगा अक्सर पर्सन कहते हैं जी जो है वो एक पन्ने का ये जो है ना एक बॉटल ब्लड की वो दे रहा है, वो जो एक बॉटल ब्लड की दे रहा है इसका मतलब है कि वो तकरीबन 250 ml 300 ml जो है ब्लड दे रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 5000 ml ऑलमोस्ट ब्लड होता है, तो इसमें से अगर वो 200 ml 300 ml वो भाई 400-500 ml भी अगर वो दे रहा है तो उसमें मुझे बताएं कि ये कितनी एंटीबॉडीज होंगी पहली बात है ठीक है इस ओवरऑल ब्लड में से। हाँ अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो ये जब स्मॉलर ये है स्मॉलर ट्रांसफ्यूजन ठीक है तो ये जाके उस पर्सन की बॉडी में, समझ आ गई, डोनर से जब ब्लड हमारे पास डोनर से जब ब्लड ए बी में जाएगा तो ये इसकी बॉडी में ए बी में जाके ये जो एंटीबॉडी होंगी ना ये वाली ठीक है ये क्या हो जाती है याद रखना है ये वाली एंटीबॉडीज आप कह सकते डिसइंटीग्रेट हो जाती है डिजॉल्व हो जाती है। अगर वो लार्जर ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पर्सन है ठीक है उस पर्सन में हमने ज्यादा ब्लड देना है, आपने देखा होगा जी 5 जो है वो बॉटल चाहिए थी 6 बॉटल चाहिए थी ऑपरेट था जी फ्लाव, उस केस में क्या होता है लार्जर ट्रांसफ्यूजन, जब लार्जर ट्रांसफ्यूजन होती है ना उस केस में हम कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडीज ज्यादा जा रही है इस पर्सन में ए बी वाले में, फिर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जाके ए बी जो बी है ना ए तो बच जाएगा मगर बी को नहीं बचा सकेगा तो बी के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा ये कैप्चर कर लेगा, तो इस सूरत में क्या होता है कि वो क्या करती है सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू एंटीबॉडीज को रिमूव कर देते हैं एंटीबॉडीज को रिमूव कर देते हैं, जब एंटीबॉडीज को रिमूव कर देते हैं तो इसलिए जो ए है वो ए बी को नॉर्मली दे सकता है। अब एक सवाल ही आता है कि जो है अच्छा इसमें ये बता देता हूँ एंटीबॉडीज जो सीरम के अंदर होंगी वो एंटी बी एंटीबॉडी होगी और ये ब्लड किससे ले सकता है ये सिर्फ ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है,
बी वाला सिर्फ बी को दे सकता है, बी को और ए बी को. अब सवाल यह था ए बी को क्यों नहीं दे सकता, इसकी तरह साइकिल समझे. अब हमारे पास जो है ए वाला, हमने क्या कहा ब्लड ग्रुप ए है तो ये ब्लड ग्रुप बी को नहीं दे सकता. क्यों नहीं दे सकता, उसकी वजह क्या है. पहले चीजें देखिए, ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होंगी, ऐसे ही है. ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी होंगी, यानी ये है डोनर, ये है रेसिपिएंट. अब डोनर जो है, ठीक है, डोनर में हमने 300 ml ब्लड जो वो डोनेट कर दिया, किसको, ए वाला बी को लगा दिया. भाई ये भी तो सोचो ना कि बी के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी लार्जर क्वांटिटी में पड़ी हुई है, और ये तब से बनना शुरू हो जाती है जब बर्थ होती है, और बर्थ के बाद हमारे पास क्या होता है 4 to 6 months में, यानी 4 to 6 months ऑफ द, आप कह सकते हैं जो फीटस होता है ना उसके अंदर ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाता है. जब ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाता है तो उस सूरत में ही एंटी ए एंटीबॉडी बनी होती है, और ब्लड के अंदर आप अंदाजा करें कितनी ज्यादा एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी होगी. तो जब ये 300 ml वाला ब्लड इधर जाएगा तो ये जो है ये एंटीबॉडीज इस आने वाले ब्लड ग्रुप की सरफेस के ऊपर जो जो ए एंटीजन होंगी, ठीक है, ये क्या करेंगी, उसको कैप्चर करेंगी और ग्लूटिनेट करके उस ब्लड ब्लड सेल को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है. तो ये 300 ml पूरा पूरा ब्लड हो जाता है डिस्ट्रॉय. दूसरा केस मैंने क्या बताया, डोनर रिसिपिएंट. डोनर में मैंने क्या कहा आपको कि मैंने क्या कहा ए वाला ए बी को दे सकता है और ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है. ओ का तो इशू खत्म हो गया. अब ओ के अंदर हमने पढ़ा है एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी दोनों होगी, समझ आएगी ना. अब जब हम ओ जो है ये देंगे ए को, ठीक है, ए के अंदर तो ए के अंदर तो जो है वो हमारे पास जब ये ओ इसमें जाएगा तो इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होगी. अब एंटी बी एंटीबॉडी इसका तो इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ओ के अंदर आपको पता कोई एंटीजन नहीं होती है. हाँ, एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी इसके अंदर पड़ी हुई है, तो जब ये इस डोनर से रिसिपिएंट में जाएगी तो क्या होगा कि बी के अंदर ये वाली जो एंटी ए एंटीबॉडी है ये डिस्ट्रॉय कर सकती है. तो फिर वही आंसर आएगा कि थोड़ी ट्रांसफ्यूजन होगी, 300 ml होगा तो जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो एंटीबॉडी होगी. और अगर लार्जर ट्रांसफ्यूजन है तो उस सूरत में पॉसिबिलिटी है कि जब हम ए ए जो ओ है ये ए को डोनेट करेंगे तो उस सूरत में चांसेस हो सकते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट कर दे लार्जर क्वांटिटी के अंदर, ठीक है. अब ए वाला ओ को नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि अगर ए वाला ए ओ को देगा तो इसके अंदर तो एंटी ए एंटीबॉडी ऑलरेडी पड़ी हुई है जिसकी बॉडी के अंदर, तो ये उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. समझ आ गई इस बात की. तो ये याद रखना है कि डोनर और रिसिपिएंट में किस तरह से जो है वो ब्लड डोनेशन जो है वो आ जाती है. वापस चलता हूँ, यहाँ देखते हैं. तो ये हमने कहा इस तरह बी है तो बी जो है वो एंटीजन बी होगी उसकी सरफेस के ऊपर, ये बी और ए बी को दे सकती है, एंटीबॉडी ए होगी. अगर ए इसके अंदर आएगा तो ये एंटी एंटीबॉडी इसको डिस्ट्रॉय कर देगी. और ये किससे ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से नहीं ले सकता, समझ आ गई ना, ए बी से नहीं ले सकता, ठीक है. ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये देखिए, अगर मैं कहूँ जी क्या ए या बी, ठीक है, क्या ए बी इनको दे सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं. क्यों बोला, क्योंकि ए की बॉडी के अंदर, ठीक है, ए पर्सन जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटी बी एंटीबॉडी पड़ी हुई है और एंटी ए एंटीबॉडी पड़ी हुई है. जब ये इधर आएगी तो इस पर्सन के रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर ए बी एंटीजन पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये वाली बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटी ए एंटीबॉडी क्या करेगी, इसके साथ जो है एग्लूटिनेशन कर लेगी. इस तरह ए बी वाला है, जब ये ए को देंगे तो ए की बॉडी के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी पड़ी हुई, तो सेम क्या होगा, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर ए बी होगी, तो जो बी वाली एंटीबॉडी होगी ना, ठीक है, ये वाली एंटी जिन है बी वाली, इसको क्या कर लेगी, ये ए बी एंटीबॉडी जो इस ए वाले ब्लड ग्रुप के अंदर है वो क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी. समझ आ गई इस बात की, ठीक है. तो होपफुली अभी आपको ये जो ट्रांसफ्यूजन का जो मसला है ये हल हो गया होगा, ठीक हो गया. अच्छा, आगे देखते हैं. इसी तरह ए बी है तो ए बी एंटीजन ए एंड बी दोनों होंगी, कैन डोनेट ब्लड, ए बी को सिर्फ दे सकता है,
समझ आ गई है, ये किसी को नहीं और दे सकता, ये सिर्फ एबी को दे सकता है। एंटीबॉडी इसके अंदर कोई भी नहीं होती है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी और सिर्फ ओ से ले सकता है। और ओ जो है, अब एंटीजन कोई भी नहीं होती, डोनेट ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को दे, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होती है, जब ये दूसरे की बॉडी में जाएगी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इसमें एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी और ये सिर्फ ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ओ से जो है ब्लड ले सकता है और किसी से जो है ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, यानी ब्लड जो है नहीं ले सकता, ये आपने याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, हमारे पास जो है ना एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम है, समझा जी, एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम है एंड दैट इज आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसी की आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर ही आ जाता है। फिर ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। आगे आपने सुना होगा ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ठीक है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, इस तरह से ये एक्चुअल में किस तरह से होता है। हमारे पास याद रख लीजिएगा कि जो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, ये किस तरह से होता है कि याद रख लीजिएगा कि जो हमारे पास आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये तीन जीन्स कोड करती है, सी बी और ई, समझ आ गई। अब इसमें ये जो है वो आप कह सकते हैं कि टू जो है टाइटली लिंक्ड लोसाई जो है वो इनके होते हैं, ठीक है, कितने लोसाई होंगे, टू टाइटली लिंक्ड जो लोसाई होते हैं। अब हमारे पास जो है इसमें जो डी होती है ना, समझ आ गई, जो डी हमारे पास होगी ये क्या करती है, ऑक्यूपाई वन आप कह सकते हैं लोकस, ठीक है, ये एक लोकस को जो वो करती है, ठीक हो गया, और जो दूसरा है उसको जो है वो हमारे पास कौन सी कर रही होंगी, सी और ई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं कि जो डी है ये प्राइम इंपोर्टेंस है। अब कैपिटल डी अगर होता है तो आर एच एंटीजन बनती है और ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव। अगर कैपिटल डी स्मॉल डी होता है, इस सूरत में भी ये इसको क्या करती है, मास्क करती है, आर एच एंटीजन बनेगी, ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर स्मॉल डी होगा तो आर एच एंटीजन नहीं बनेगी तो ब्लड ग्रुप का अगर नेगेटिव। अब इसमें ना ट्रांसफ्यूजन का थोड़ा सा एक हट के केस है, ठीक है, वो हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे जरा चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम की। अब आर एच जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम इस तरह से लेते हैं कि जो हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो होता है ना ए पॉजिटिव, ठीक है, ए नेगेटिव, अगर मैं कहूँ ना ए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आर एच एंटीजन एग्जिस्ट करती है, ए नेगेटिव वाले में आर एच नहीं एग्जिस्ट करती। इसके अलावा और कौन सी एंटीजन हो सकती है, एंटीजन ए हो सकती है इसके अंदर, और इसमें भी एंटीजन ही होती, ठीक। अब इसको मैं एक टेबल के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है, होपफुली आप लोगों को इससे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हमारे पास ये किस तरह से ये सारा का सारा जो है हमारे पास जो है वो सिनेरियो आ जाता है। अच्छा अब हमारे पास, अब जस्ट गिव मी वन मिनट, आई शुड ड्रॉ द टेबल, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ठीक। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया टू, उसके बाद है थ्री, देन हमारे पास है फोर, देन फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट, ठीक। अब जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, हमारे पास ठीक है, यहां मैं जरा तवज्जो करना, हमारे पास मैं कहता हूं कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, इसको कंप्यूटर कर लेता हूं, ओके, हमारे पास एक पर्सन है, ठीक, और उस पर्सन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेड ब्लड सेल, ठीक, यहाँ पे ये है जी रेड ब्लड सेल, ठीक, और इसकी सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है और हमारे पास आर एच एंटीजन है, ठीक। इसी तरह एक और रेड ब्लड सेल है, ठीक, मैं इसको कलर चेंज करने देख रहा, ये आगे हमारे पास रेड ब्लड सेल, यहाँ पे रेड ब्लड सेल, ये सारे क्या हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है। अब
इस पे ए एंटीजन तो है मगर आर एच नहीं है, इसी तरह बी है आर एच है, बी है आर एच नहीं है, ए है बी है आर एच है, ए है बी है आर एच नहीं है। अच्छा अब कोई भी एंटीजन नहीं है, इसमें आर एच है और एक ही है जिसमें नहीं है, कोई भी नहीं आर एच भी नहीं। अब जरा गौर से देखना इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ये जो लिखा हुआ है, अगर एक पर्सन जिसके रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर ए और आर एच एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव। अगर आर एच नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए नेगेटिव। अगर ब्लड ग्रुप बी और आर एच दोनों है तो क्या होगा, बी पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, बी नेगेटिव। इसमें क्या होगा, ए बी पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, ए बी नेगेटिव। इसमें क्या होगा, ओ पॉजिटिव। और इसमें क्या होगा, ओ नेगेटिव। समझ आ गई इस बात की, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर। अब मैं एक और तरह से बताने लगूंगा, गौर से देखना। अब अगर हम बात करते हैं, ये आ गया ब्लड ग्रुप, ठीक। अब मैं अगर आपसे पूछूं एंटीजिन्स कौन सी हैं, तो अब इसके अंदर एंटीजिन कौन सी है जी, ए और आर एच। इसके अंदर ए है, इसके अंदर बी और आर एच है, इसके अंदर बी ओनली है, इसके अंदर ए है बी है और आर एच है, इसके अंदर सिर्फ ए और बी है, इसके अंदर आर एच है और इसके अंदर नो एंटीजन। समझ आ गई इस बात की, ये याद रखना अब आपने। एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें, एंटीबॉडीज की, अब ए की बॉडी के अंदर, ए की बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड एंटीबॉडी होनी चाहिए, एंटी बी एंटीबॉडी। समझ आ गई। अच्छा अब आर एच है तो क्या इसमें एंटीबॉडी होनी चाहिए, आर एच के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि आर एच है, ठीक है। इसके अंदर आर एच एंटीजन है तो जिसके अंदर सेम एंटीजन होगी उसके अंदर सेम वही वाली एंटीबॉडी नहीं होगी। अब है बी, अब इस वाले में एंटीजन एंटी बी एंटीबॉडी होगी। और क्या अब इसके अंदर, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको केयरफुली सुनिएगा। एक पर्सन जिसके बॉडी के अंदर, ठीक है, रेड ब्लड सेल सिर्फ ए है मगर बी आर एच एंटीजन नहीं है, ऑफिशियली या पिछले बाय द रूल क्या होना चाहिए कि इस पर्सन में एंटी आर एच एंटीबॉडी होनी चाहिए। समझ आ गई ना, यही यहाँ पे आर एच है और यहाँ पे नहीं है तो इसके अंदर एंटीजन है, इसके अंदर एंटीजन नहीं है तो इसके अंदर ऑफिशियली क्या होनी चाहिए, एंटीबॉडी हमारे पास एंटी आर एच एंटीबॉडी होनी चाहिए। मगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, There is no anti-RH antibody. ठीक हो गया, there is no anti-RH antibody. Let me change the color. ठीक है, there is no anti-RH antibody. ठीक है, in the person having no RH antigen. ठीक है, एंटीजन नहीं है तो उस पर्सन में होना तो चाहिए कि एंटीबॉडी हो, एंटी आर एच एंटीबॉडी हो, मगर नहीं होती, ठीक है। बट दिस विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस हो सकती है कब, व्हेन देयर इज अ स्टिमुलस। ये याद रख लीजिएगा कि ये जो जिस तरह ए, अगर एक एक बंदा था उसके बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडी थी, और अगर ए हमारे पास था एंटी बी एंटीबॉडी थी, ये एंटी बी एंटीबॉडी बर्थ के टाइम पे ही प्रोड्यूस होना शुरू रहती है, मगर एंटी आर एच एंटीबॉडी जो होती है ना, ये एट द बर्थ जो है वो नहीं प्रोड्यूस होती, ठीक है। इट ओनली प्रोड्यूस वर्स सुनना, इट विल ओनली प्रोड्यूस व्हेन अ ब्लड हैविंग आर एच एंटीजन, ठीक है, और एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, ठीक हो गया। अब जब ये वाला ब्लड इस बंदे की बॉडी में जाएगा ना, इस बॉडी के अंदर आर एच एंटीजन नहीं थी, ये क्या करेगी, इसको लेगी एज अ फॉरेन पार्टिकल के तौर पे, ये इमीडिएटली क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटी आर एच एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। समझ आ गई इस बात की, याद रखना कि वैसे तो इसके अंदर जो है वो नहीं होगा, मगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो शुरू में हम जो है उसको जरा माइंड में रखेंगे। तो ए के अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडी हमारे पास होगी, इस तरह बी, और इसमें कौन सी होगी, शाबाश बताएं जरा, सोचें इसमें क्या होगा, एंटी ए एंटीबॉडी होगी, दूसरी वाली नहीं होगी क्योंकि उसके आर एच एंटीजन है, इसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी होगा और एंटी आर एच एंटीबॉडी होगी। समझ आ गई। इस तरह ए बी की अगर हम बात करते हैं,
तो इसके अंदर हमारे पास एंटीबॉडी ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, इसके अंदर नो एंटीबॉडी हमारे पास होगा। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एंटी आर एच एंटीबॉडी होगी, ठीक है, ए बी के अगेंस्ट में नहीं होगी। इसके अंदर क्या होगा, नो एंटीबॉडी, सॉरी इसमें हमारे पास, सॉरी ए और बी दोनों के अगेंस्ट में होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे पास एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी होगी, समझ आ गई। और जो ये होगा ना, इसके अंदर एंटी ए भी होगी, एंटी बी भी होगी और एंटी आर एच भी होगी, ये याद रख लेना, समझ आ गई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, ये आपने एंटीडेस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि किस तरह से एक पर्सन है तो उसमें ब्लड जो है वो हमारे पास मौजूद होता है और उस पर्सन के अंदर आर एच एंटीजन जो है वो किस तरह से होता है। हम इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो लेते हैं। ये हमारे पास था, ठीक है, यहाँ देखें, अब फर्ज कर ले मैं इसको जेनेटिकली अगर हम ले मिसाल के तौर पे, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर मैं कहूँ कि जी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी ये केस होगा, तो उस केस में सारे कैपिटल डी कैपिटल होंगे, आर एच बनेगा तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं कहूँ कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, अगर एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और जो आप कह सकते हैं कि उसका जो है आप कह सकते हैं पार्टनर है उसमें ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, जब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी ऑल विल बी क्या होगा, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। और अगर कैपिटल डी स्मॉल डी हो तो उस केस में क्या होगा, हम इसके गैमेट्स बनाएंगे सेम उसी जेनेटिक रूल के अकॉर्डिंग, तो कैपिटल डी स्मॉल डी एक तरफ, कैपिटल डी स्मॉल डी एक तरफ आ गया, ये पेरेंट वन है ये पेरेंट टू है, दोनों पॉजिटिव है, मगर उसके रिजल्ट में क्या होता है, कैपिटल डी ये पॉजिटिव, कैपिटल डी स्मॉल डी पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो थ्री पॉजिटिव हो जाएंगे, वन विल बी नेगेटिव। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस, ठीक है, ब्लास्टोसिस फिटेलिसिस, ठीक है। अब ये जो डिजीज होती है ये क्या होती है, जरा इसको यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे बताता हूँ, इसमें होता ही है कि जो हमारे पास एक जिस तरह पीछे हमने यहाँ पे कहा, समझ आ गई, लाइक मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो है ये फादर है, ये मेरे पास मदर है, ठीक है, और ये रिजल्ट आ गया। अगर एक और केस हो, ठीक है, अगर एक और केस हो और उसमें क्या हो कि हमारे पास फादर हो कैपिटल डी, फादर क्या हो कैपिटल डी और मदर हो स्मॉल डी, मतलब मदर क्या नेगेटिव हो और फादर क्या पॉजिटिव हो, इस सूरत में क्या होगा, सारे के सारे बेबीज पॉजिटिव होंगे, नंबर वन। अगर कैपिटल डी स्मॉल डी हो, स्मॉल डी तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस सूरत में क्या होगा, हाफ कैपिटल डी स्मॉल डी होंगे और हाफ स्मॉल डी होंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर मदर की बात करते हैं, मदर हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर तो नेगेटिव बेबी आता है तो उस सूरत में कोई इशू नहीं है। अब अगर केस ये हो कि बेबी हो पॉजिटिव, मदर हो हमारे पास नेगेटिव, अब ये जो सिचुएशन दिखाई हुई है ये वही बताई हुई है कि फादर क्या है आर एच पॉजिटिव, मदर क्या है आर एच नेगेटिव, अब उस सूरत में जो बेबी आगा होगा वो क्या होगा, आर एच यानी पॉजिटिव होगा, यानी बेबी क्या है हमारे पास आर एच पॉजिटिव, यानी बेबी पॉजिटिव है और मदर क्या है नेगेटिव है। बेबी पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है, उस सूरत में होता ये है कि याद रखिएगा बेबी के ब्लड से, ठीक है, यानी बेबी के आप कह सकते हैं ब्लड से कुछ हद तक, समझ आ गई, कुछ हद तक क्या होता है, ब्लड सीप आउट करता है, कब, जब डिलीवरी हो रही होती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, आपको पता है कि जब डिलीवरी होती है तो उस रूप में क्या होता है कि प्लेसेंटा दरमियान में होता है, उसको रिमूव किया जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है। जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है तो प्लेसेंटा में मदर से और बेबी से कुछ ब्लड वेसल्स होती है जो आपस में इंटरमिंगल हुई होती है, जब वो कट करते हैं तो उस रूप में बेबी से कुछ ब्लड मदर वाली साइड पर जब चला जाता है, तो फर्स्ट बेबी के फॉर्म में तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है, मगर उसका रिजल्ट क्या होता है कि मदर की बॉडी में आप अंदाजा करें कि ये देखो ये एंटीबॉडी बन गई है, ये एंटीबॉडी कौन सी बनी है, भला एंटी आर एच एंटीबॉडी बनी है, हालांकि पहले मदर की बॉडी में एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं थी और ब्लड ग्रुप मदर का क्या था, लाइक नेगेटिव था, ठीक, फादर का क्या था, पॉजिटिव था, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, बेबी जो हो रहा है वो भी पॉजिटिव है, बेबी की डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि कुछ ब्लड मदर बॉडी में चला जाता है जो कि मदर को नुकसान तो नहीं पहुंचाता मगर मदर की बॉडी में एंटी आर एच एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है। अब मदर को उसका नुकसान नहीं है क्योंकि मदर के रेड ब्लड सेल की सर्फिस के ऊपर आर एच एंटीजन तो होती नहीं। अब फर्ज कर लो गॉड फॉरबिड नेक्स्ट टाइम अगर कोई बेबी प्रोड्यूस होता है जो पॉजिटिव हो तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी पड़ी होती है जो क्या है एंटी
आरएच के अगेंस्ट में होती है, ठीक है, एंटी आरएच के अगेंस्ट में होगी, तो उस सूरत में क्या होगा भला कि यहां से एंटीबॉडी क्रॉस करेगी और बेबी के जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड है, उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करना शुरू, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको ब्रेक करके बिलिरुबिन में जब वो कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, और इस सूरत में क्या होता है कि बेबी को सेवर हिमोलिटिक एनीमा जो है वो हो जाता है, या जॉइंटस जो है उसको कह देते हैं, समझ आ गई। तो आप ये अंदाजा करें कि अगर ये एक सिचुएशन होती है, इसका मतलब क्या है कि जो आरएच एंटीजन है ना, ठीक है, एंटी आरएच एंटीबॉडी है, एंटी आरएच एंटीबॉडी, ये नेचुरली हमारे पास नहीं बनती, यानी मदर की बॉडी में पहले नहीं होती, ठीक है, या किसी भी पर्सन की बॉडी में पहले नहीं होती है, ठीक है। तो उस सूरत में रिजल्ट क्या होता है हमारे पास के जो पर्सन होगा अगर वो नेगेटिव होगा तो फर्स्ट टाइम तो कोई इशू नहीं होगा, मगर फर्स्ट टाइम भी इशू प्रॉब्लम हो सकती है। यानी अगर एक बंदा है जो पॉजिटिव है, ठीक है, मैं इसको यहां समझाता हूँ, अगर एक बंदा है वो पॉजिटिव है, उसने ब्लड नेगेटिव वाले को दे दिया, अब वो जो ब्लड गया था नेगेटिव वाले के अंदर, बॉडी के अंदर स्टिमुलस एक्टिव हो गया, मसलन ये था ए पॉजिटिव, इधर था ए नेगेटिव, ए वाली तो कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होगी, इसके अंदर भी एंटी बी एंटीबॉडी होगी। जब ये इस बॉडी में ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करेंगे तो क्या होगा कि इस बंदे की बॉडी के अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी, जो ट्रांसफ्यूज जो ब्लड जो पहले ट्रांसफ्यूज किया होगा उसको कैप्चर करके डिस्ट्रॉय कर देगी, समझ आ गई। और फिर नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हम दे सकेंगे, समझ आ गई इस बात को। ये नहीं कह सकते, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि पहली दफा तो दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा पहली दफा भी देना एक कह सकते हैं कि नुकसान ही होता है, ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब इसके अंदर जो है अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये वही एक्चुअल में चीज हमारे पास आ जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अब मैं जो यहाँ पे आपको बता रहा था इस जगह पे, यहाँ देखिएगा ये हमारे पास क्या है जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जी इस बंदे के अंदर ये टेबल आप मेरे को याद रखना, ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ पे हमारे पास, सही है। तो अब ट्रांसफ्यूजन में आते हैं, समझ आ गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आएंगे, ट्रांसफ्यूजन में आएंगे। अब गौर से सुनना जरा, क्या इसको ए पॉजिटिव वाला दे सकता है ब्लड? यस, आंसर क्या होगा, ए पॉजिटिव वाला इसको ब्लड दे सकता है। ए नेगेटिव वाला क्या दे सकता है इसको? ए नेगेटिव वाला दे सकता है, क्यों भला? क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, इस पर्सन की बॉडी के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होगी जो इसके साथ पैरेलल कर जाएगी। अब ये पूछा जा सकता है कि एंटी सर एंटी आरएच एंटीबॉडी भी तो है ना, ये तो जाके देखो डोनर, मैंने आपको पहले भी बताया था जो डोनर होगा ना, अब ये डोनर है और ये रिसिपिएंट है, जब डोनर इस पर्सन में जाएगा तो ब्लड क्या होगा 300 ml बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, और इसकी बॉडी के अंदर जो एंटी आरएच एंटीबॉडी होगी वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर होगी, तो ये इसकी बॉडी में जब जाएगी ना तो याद रखना कोई इशू नहीं है, वो डिजॉल्व हो जाएगी। हाँ, लार्जर ट्रांसफ्यूजन होगी जो मैंने पहले बताया था, स्मॉलर ट्रांसफ्यूजन थोड़ी, अगर थोड़ा ब्लड दे रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई 2 liter ब्लड एक पर्सन को लग रहा है तो उस सूरत में पॉसिबिलिटी हो सकती है, मोर देन 1 liter कह लो आप, तो उस सूरत में चांसेस हो सकते हैं कि वो जाके उस बॉडी में नुकसान कर दे, तो फिर हम सेंट्रीफ्यूज के थ्रू उसको रिमूव कर देंगे, सही। डी वाला इसको दे सकते हैं? नो, बी वाला ए को नहीं दिया सकता, बी नेगेटिव वाला नहीं दिया जा सकता, ए बी वाला, ए बी, ओ पॉजिटिव वाला यस, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव यस ओ नेगेटिव दे सकता है। इसी तरह ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव को अब ए नेगेटिव वाला दे सकता है, ओ पॉजिटिव वाला अगर देगा तो क्या होगा, सोचो जरा, ओ पॉजिटिव वाला जब इधर आएगा तो इस बंदे के रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर क्या पड़ी है, एंटी आरएच एंटीबॉडी पड़ी है, जब ये इस बॉडी में आएगी तो ये क्या करना शुरू कर देगी, एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, जिस रूप में क्या होगा ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को जरूर दे सकता है, ये याद रखना है। इसी तरह जो है ओ नेगेटिव इसको दे सकता है, इसी तरह बी पॉजिटिव की बात करेंगे, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, उसके बाद ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव को सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को, अब ये बड़े मजे का है, ए पॉजिटिव भी दे सकता है, बी पॉजिटिव भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव भी दे सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इसको सारे ब्लड ग्रुप जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, इस ए बी नेगेटिव को ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव दिया जा सकता है, ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दे सकते हैं, और ओ नेगेटिव को सिर्फ ओ नेगेटिव दिया जा सकता है। अब आप अंदाजा करें, मैं एक चीज बताने लगा हूं, ओ नेगेटिव, 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 सबको आ रहा है, तो याद रखना ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। हम वैसे कह देते हैं कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, मगर उसमें
जो ओ नेगेटिव होता है ना वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अच्छा हम कहते हैं ए बी यूनिवर्सल रिसिपियंट है, मगर उस ए बी में भी जो ए बी पॉजिटिव है ना ये रिसिपियंट होता है, क्योंकि इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, समझ आ गई। और ओ नेगेटिव की पर्सन में कोई एंटीजन नहीं होती। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि जी ये बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो कोई एंटीजन नहीं होती है, याद रखना, समझ आ गई है, ये याद है। और किसकी बॉडी में सारी एंटीबॉडी हो सकती है, एंटी ए एंटी बी और एंटी आर एच एंटीबॉडी, क्लियर हो गया। होपफुली अब अभी आपको जो है ना ये क्लियर होगा, मैं इसको एक और दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखे जरा ये, अब ये है डोनर, इस साइड पर हम डोनर ले रहे हैं और ये हमारे पास है रिसिपिएंट। अब ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ओ बी ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, यानी ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। पॉजिटिव ए पॉजिटिव को दे, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए बी पॉजिटिव को दे, ए पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को नहीं देगा, बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, ओके। बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव ए जो है हमारे पास उसको जो है वो नहीं देगा, समझ आएगी। चलिए बी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव ए पॉजिटिव को नहीं दे सकेगा, बी ए के साथ नहीं कंपैटिबल, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी पॉजिटिव वाले को दे देगा, बी नेगेटिव वाले को दे देगा, ओ पॉजिटिव वाले को नहीं देगा, ओ नेगेटिव वाले को नहीं देगा। बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को नहीं देगा, ए पॉजिटिव को नहीं देगा, ए नेगेटिव को नहीं देगा, बी पॉजिटिव को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। ए नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बाकी किसी को भी नहीं दे सकता। इसी तरह ए बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ठीक है, बाकी ये किसी को नहीं दे सकता। फिर ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, बाकी सारे नेगेटिव है और पैरेलल आ जाते हैं उसके रिवर्सल में आ जाते हैं, तो ये उनको ब्लड जो नहीं डोनेट कर सकता, समझ आ गई। होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा नेगेटिव पॉजिटिव का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से जो आता है। इसी तरह एरिथ्रोब्लास्टोलाइसिस का भी क्लियर हो गया होगा, सही है। इससे एक्चुअल में ना आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो एक्टिविटी बना के पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन बना के पूछता है, न्यूमेरिकल बना के पूछता है कि जी अगर एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी नेगेटिव है या ए बी पॉजिटिव है, तो किस तरह से वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो वो हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा एक और मैं यहाँ से क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, होपफुली सारा अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं कहता हूँ मेरी एक पर्सन है, ठीक है, उसके जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, उन सब में जो है ना ए हमारे पास ए ब्लड भी है, बी भी है, ए बी भी है और ओ भी है, ठीक है, व्हाट विल बी द, ठीक है, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या होगी, सोचे जरा, यानी कौन सी ऐसी हम ले उस सूरत में, अगर हम लेते हैं आई ए, आई ए क्रॉस करेंगे आई बी से, उस इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, सारे के सारे आई ए आई बी आ जाएंगे, समझ आ गई। इसी तरह अगर मैं कहूँ आई ए, ठीक है, स्मॉल आई हो और इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, बी स्मॉल आई के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा ये देख लें आप लोग, आई ए आई स्मॉल आई, ठीक, आई बी स्मॉल आई, ये क्या होगा आई ए आई ए आई बी सॉरी, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आई बी स्मॉल आई, इसको इसके साथ करेंगे तो आई ए स्मॉल आई, और इसको इसके साथ करेंगे तो स्मॉल आई, यानी अगर पेरेंट जो है वो हेटरोजाइगस होते हैं, आई ए स्मॉल आई, आई स्मॉल आई, तो फिर क्या हो सकता है, ये ए बी होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये ओ होगा, तो सारे ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास आ जाएंगे। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस तरह से पॉसिबिलिटी है कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप अगर इस तरह से आता है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप है हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बी हो जाएगा, समझ आ गई। ये एक इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपने याद रखने हैं, ठीक। अच्छा इसी तरह अब एक और सिचुएशन है, ठीक है, वो क्या होती है, उसमें बताएंगे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि, बल्कि इसको बताने से पहले मैं एक और चीज आपको बताता जाता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है।
कि कुछ हमारे पास होती हैं, ठीक है, कि जो ए या, ठीक है, बल्कि ए एंड बी जो एंटीजन्स होती हैं, ठीक है, ये सलाइवा के अंदर भी मौजूद होती हैं। अक्सर कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सलाइवा के अंदर जो है वो क्या होता है, जो है वो क्या होती है, एंड ए और बी एंटीजन हो सकती है, या इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर भी पॉसिबल है, ठीक है। ए बी एंटीजन, एंटीजन्स सलाइवा पहले किसमें थी, ब्लड में थी, अब हम क्या बात कर रहे हैं, सलाइवा में या बॉडी फ्लूइड में मौजूद है। तो ये याद रखना हमारे पास है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि इन इनको हम कहते हैं स्क्रीटर्स, यानी ये अपनी जो एंटीजेंस है ना वो ब्लड में, सॉरी सलाइवा में और बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है वो क्या करते हैं, स्क्रीट करते हैं। समझ आ गई? ये किसकी वजह से होता है, ये एक्चुअल में हमारे पास एक डोमिनेंट, ठीक है, स्क्रीटर जीन होती है जिसे हम कहते हैं एससी जीन, और ये होती है क्रोमोसोम 19 पे, ये याद रखना, ठीक है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्क्रीटर की जीन कौन से क्रोमोसोम पे है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, डोमिनेंट है। करती क्या है, एंटीजन ए और बी किसमें रिलीज करती है, सलाइवा में और बॉडी फ्लूइड में जो है प्रोड्यूस करती है। अगर ये स्मॉल एस ई होगा ना, उस सूरत में फिर जो है वो सलाइवा में मौजूद नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। अब एक और सिचुएशन होती है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पर्सन है, उसके ब्लड ग्रुप में हमने अभी पढ़ा कि जी रेड ब्लड सेल है, सरफेस के ऊपर ए एंटीजन लगी हुई है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन लगी हुई है तो बी होगा, ए बी दोनों लगी हुई है तो ए बी होगा, और कोई भी लगी है तो वो क्या होगा, ओ होगा। अब एक और सिचुएशन होती है जिसमें पता क्या होता है, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे, ये देख, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर क्या होता है, नो एंटीजन, ठीक है, मगर ब्लड के अंदर, इन ब्लड, ए एंटीजन जो है या बी एंटीजन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ, यहाँ पे एक पर्सन है, उस पर्सन में रेड ब्लड सेल है, उस रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एंटीजन नहीं है, मगर उसके ब्लड के अंदर ए एंटीजन है या बी एंटीजन है, या दोनों हो सकती हैं, ठीक, ए है बी है या ए बी है, ये क्या केस है। अब इस सूरत में पता क्या होता है, मैं बिग टर्म बोलूंगा, याद रखना, अपेरेंटली उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, क्योंकि एंटीजन तो है ही नहीं है, मगर जीनोटिपिकली अगर हम बात करेंगे तो उस सूरत में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा या ए बी होगा। अब ये किस तरह से है कि भाई रेड ब्लड ब्लड के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल तो मौजूद है मगर उनकी सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं है, ब्लड के अंदर एंटीजन है, समझ आ गई, ये किस तरह से होता है। और ये जो सिचुएशन होती है बाय द वे, ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, बॉम्बे फिनोटाइप, फिन अपेरेंटली कह लो या फिनोटिपिक कह लो। तो बॉम्बे फिनोटाइप में क्या होता है, फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप ओ होता है, जीनोटिपिकली ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा या ए बी होगा। अब ये किस तरह से है, याद रखना, हमारे पास एक एच जीन होती है, समझ आ गई, एक एच जीन है, ठीक है, ये क्या करती है, एच सब्सटेंस हमारे पास जो है वो बनाती है, समझ आ गई, क्या बनाती है, एच सब्सटेंस, ठीक है, आप कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो बना रही है, एच एंजाइम कह देता हूं। अब इस एंजाइम ने क्या करना होता है, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर, समझ आ गई, रेड ब्लड सेल की, ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर जो है वो इसने क्या करना होता है, इस तरह से ना शुगर जो है वो लगानी होती है, ठीक है, इससे शुगर लगाएगी, उस शुगर लगाने के बाद ही ए या बी या ए बी अटैच हो सकती है, समझ आ गई। और ये एच एंजाइम कब बनता है, जब कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच होगा, स्मॉल एच स्मॉल होता है, एच होता है ना, उस सूरत में क्या होता है, ये एंजाइम नहीं बनता। जब ये एंजाइम नहीं बनता उसका रिजल्ट क्या होता है कि अब देखो ना, आई ए या आई बी या आई ए बी दोनों, ठीक है, ये वाली जीन तो एग्जिस्ट करती है जो अपनी प्रोडक्ट यानी एंटीजन ए, एंटीजन बी, ए बी दोनों बना रही है, मगर एच एंजाइम नहीं है जिसने इस एंटीजन को लगाना है इसके ऊपर, समझ आ गई, किस सूरत में, स्मॉल एच की फॉर्म में, समझ आ गई है। तो इस सूरत में क्या होता है कि एक जीन, अब ये जो एच जीन है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं पड़ी होती है जो हमारे पास है, सिंपली आप कह लो कि क्रोमोसोम जो है वो 19 पे, ठीक है, एच जीन कहाँ पे होगी,
क्रोमोसोम 19, ठीक है। और जो हमने पढ़ी है एबीओ वाली, एबीओ की जीन जो आई है ये कहाँ होती है, अभी हमने पढ़ के आया क्रोमोसोम 9 पे, तो अब क्रोमोसोम 9 पे है, यहाँ पे क्रोमोसोम 19 पे है, ये एक जीन दूसरी जीन को जाके क्या करती है, अफेक्ट करती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो अपना एक्सप्रेशन होल्ड कर देती है, रोक देती है, इनहिबिट कर लेती है, यानी चेंज आ जाता है, एक जीन दूसरी जीन को क्या करती है, इनहिबिट करती है, अफेक्ट करती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, समझ आ गई, इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास जो आप कह सकते हैं बॉम्बे फिनोटाइप जो है वो होता है, ठीक है। यहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखिए जरा, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल की लेयर है, इन साइड द सेल है, ये आरबीसी की लेयर है। अब ये क्या हुआ, एच ने ये वाली जो है ना, ये वाला जो कंपोनेंट, ये शुगर ग्रुप होता है, ये वाला, ये लगा दिया, ठीक है। जब ये लगा दिया तब ही आई की ए या आई बी वाली जो जीन है, इसने जो एंटीजन लगानी है वो यहाँ आके लगनी है, ये वाली, या ये लगेगी। अगर ये नहीं होगी, समझ आ गई, अब अगर स्मॉल एच आ जाता है, स्मॉल एच के रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे ये तो नहीं लगेगी, समझ आ गई ना, यहाँ पे ये तो नहीं, ये वाला पार्ट नहीं लगेगा। जब ये वाला पार्ट नहीं लगेगा तो बी इसके साथ डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकती आरबीसी की मेमोरी के साथ। जब नहीं अटैच हो सकती तो उस रूप में क्या होता है कि ये ए और बी एंटीजन या ए बी एंटीजन अलग अलग आप कह सकते हैं ब्लड ब्लड के अंदर जब वो मूव कर रही होती है। ये जो सिचुएशन होती है ना, इसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस, ठीक हो गया, एपिस्टेसिस, जिसमें एक जीन जो एक अलग लोकस पे है वो दूसरी जीन को क्या करती है, जो अलग लोकस पे है उस पे क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसको आप कह सकते हैं हॉल्ट करती है। समझ आ गई इस बात की। ये हमारे पास, ठीक है, ये था ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है वो आ रही है कॉन्टिन्यूसली वेयरिंग ट्रेड्स। समझ आ गई, कॉन्टिन्यूसली वेयरिंग ट्रेड्स, कॉन्टिन्यूसली वेयरिंग ट्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जो आप कह लो कि जीनोटाइप जीन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, जीनोटाइप क्या करती है, इंट्रैक विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ ये क्या करेगी, इंट्रैक करती है। जीन्स क्या करती है, एनवायरनमेंट के साथ। अब याद रखना कि आपने अक्सर देखा होगा, आप अगर धूप में बहुत ज्यादा चल फिर रहे हैं, धूप में चलने की वजह से क्या होता है, आपके स्किन का कलर जो है डार्क हो जाता है, ठीक। वैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा व्हाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में याद रखना, ये हमारे पास होता है इस तरह से है कि एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है आपकी फिनोटाइप्स को, समझ आ गई। तो जीन जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, उसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस होती है, ठीक है, डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस होती है। अब फिनोटिपिक जो ट्रेट्स होते हैं उसको हम दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव, और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक हो गया, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है, इसको किस तरह से है, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे, वीट के थ्रू पढ़ेंगे। याद रखना कि जो वीट में, ठीक है, वीट में हमारे पास एक चीज याद रखनी है, जो होती है आप कह लो कि जेनेटिक्स है वीट की, सीड की, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे उसके थ्रू तो आपको क्लियर हो जाएगा। वीट का जो सीड है, ठीक है, ये एक्चुअल में कंट्रोल किया जा रहा था तीन जीन्स है, ए बी एंड सी, थ्री जीन्स है, समझ आ गई, थ्री जीन्स है जो कि नॉर्मली, याद रख लीजिएगा, कंट्रोल कर रही होती है किसको, सीड कलर को। तीन जीन्स, अगर मैं इसको लीली की फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिखूंगा कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल जी कैपिटल जी, तो ये तीन हो गई। तो ये तीन हमारे पास जो है, ये क्या है, जब अलील तीन जीन्स डिफरेंट है, ठीक है, तो तीन जीन जब एक ट्रेट, अब ट्रेट क्या, वीट सीड कलर, ठीक हो गया, तो वीट का जो सीड कलर है वो कंट्रोल किया जा रहा था तीन जीन से। तो वन मोर देन वन जीन्स कंट्रोल करती है एक ट्रेट को, तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीजेनिक जीन्स, और इस तरह के ट्रेट को हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। समझ आ गई, इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक ट्रेट, यानी तीन जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करती है, ये आपने याद रखना है हमारे पास। अब इसमें होता ये है कि जो डोमिनेंट है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी,
और रिसेसिव होगा तो स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल सी। साइंटिस्ट ने क्रॉस किए तो उनसे उन्होंने रिजल्ट एक्चुअल में इवैल्यूएट किए, किस तरह से हम यहाँ देखते हैं जरा। हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी वाले को क्रॉस किया गया स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। अब इस केस में जो वीट का जो ग्रेन था यानी जो सीड था उसका जो कलर था हमारे पास अगर रिसेसिव है तो इस रूप में क्या था व्हाइट, ठीक हो गया। और तीनों डोमिनेटिंग थी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी तो इस सूरत में क्या था लाइट रेड आप कह सकते था, क्या था हमारे पास लाइट रेड था। अब हमारे पास जो राइट इसको हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के रिजल्ट में हमारे पास जो चीज प्रोड्यूस होती है ठीक है वो हमारे पास क्या आती है सिंपली आप कह सकते हैं कि सॉरी इसमें लाइट रेड नहीं होगा इसमें सारी एलील्स है तो इसमें आप कह सकते हैं डार्क रेड था, ठीक हो गया डार्क रेड था। अब ये जो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सारी डोमिनेटिंग है ये डार्क रेड है और इस सूरत में क्या है हमारे पास व्हाइट ग्रेन कलर है ठीक है। तो इस सूरत में जब हम क्रॉस करेंगे तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे ना अब ये गैमेट यहाँ पे बड़े मजे के बनते हैं किस तरह से कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये एक गैमेट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये दूसरा गैमेट बनेगा। जब इसको क्रॉस करेंगे तो एफ वन जो होगी ना वो ये होगी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी ये क्या हो गई एफ वन। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि डार्क रेड ऑफ ग्रेन कलर इसको क्रॉस किया व्हाइट ग्रेन के साथ तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो आया लाइट रेड, समझ आ गई। अब इनके जेन में वही था जो कोडोमिनेंस डोमिनेंस वाला रिलेशन था मगर इन्होंने क्या किया जब एफ वन को क्रॉस किया एफ वन के साथ यानी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस विद द कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी यानी ये क्या है लाइट रेड है ठीक है ये क्या है लाइट रेड है। जब इसको क्रॉस किया गया ना रिजल्ट में सिंपली जो प्रीवियस वाला डोमिनेंस को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड वाला सीन था माइंड में यही था मगर यहाँ पे रिजल्ट जो है वो बड़े सरप्राइजिंग हुए। रिजल्ट किस तरह से हुए कि हमारे पास जो है वाइट भी प्रोड्यूस हुए ठीक है वाइट सीड भी प्रोड्यूस हुए उसके बाद लाइट पिंक सीड्स भी प्रोड्यूस हुए पिंक सीड्स नॉर्मल आप कह सकते हैं लाइट पिंक भी था पिंक सीड भी था इसी तरह लाइट रेड सीड्स भी प्रोड्यूस हुए ठीक है इसी तरह हमारे पास जो है कुछ हद तक रेड थे उसी तरह कुछ मॉडरेटली डार्क रेड थे और कुछ जो है हमारे पास डार्क रेड थे। आप अंदाजा करें कि ये कितनी है हमारे पास इसको मैं नंबरिंग अगर साइन कर दूं और से देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या है कितनी हमारे पास फिनोटाइप्स आ गई है आप कह लो के जो है वो 7 फिनोटाइप डिफरेंट प्रोड्यूस हुई है व्हाइट लाइट पिंक पिंक लाइट रेड रेड मॉडरेटली डार्क रेड एंड डार्क रेड। समझ आ गई इस बात की। अब ये किस तरह से बने होंगे किस तरह से ये आए होंगे ठीक है उसके लिए देखना पड़ेगा हमें इनको क्रॉस करके। अब इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे सेम वही ब्रांच डायग्राम के थ्रू ठीक है वो क्या होगा अब मैंने आपको बताया था कि आप कैपिटल ए स्मॉल ए को स्प्लिट कर देंगे ठीक है आपने क्या किया कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग कर दिया। उसके बाद आपको मैंने बताया था ये बी बी वाला आपने इन फ्रंट यानी जो दूसरी अलील है ये आपने उसके सामने जो लगा दी मैंने क्या किया ये देखो ये बी स्मॉल बी इसी तरह स्मॉल बी ये सामने में। अब तीसरी अलील क्या क्या तीसरी अलील का क्या करेंगे तीसरी अलील को भी आप क्या करेंगे इन दोनों के आगे लगा देंगे कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब आप गैमेट्स बना लो गैमेट्स कैसे बनेंगे ये देखो ये एक एक बन जाएगा ये क्या बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। उस सूरत में ये क्या बनेगा दूसरे वाला कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी ये क्या होगा इस सूरत में कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी ये क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। देन इसको देख लेते हैं इस सीक्वेंस को ये क्या होगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी फिर क्या होगा इस तरह से स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी फिर क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी देन ये क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। कितने गैमेट्स बन गए 8 गैमेट्स बन गए
कितने डेबिट्स बन गए? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझ आ गई? 8 गैमेट्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे भी 8 गैमेट्स बनेंगे, इस साइड पे भी 8 गैमेट्स बनेंगे। हम क्या करेंगे, इन 8 गैमेट्स को क्रॉस करेंगे इस तरह से कि हम जो है वो क्या करते हैं, 8 आप क्या लेते हैं जी, 1 उसके बाद 2 हमारे पास हो गया, 3, 4, 5, 6 ठीक है, उसके बाद हमारे पास 7, तो 1 ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2, 3 देन हमारे पास 4, 5, 6, 7 and 8 ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उन गैमेट्स को उठाएंगे और उन गैमेट्स को जो है यहाँ लिखते जाएंगे। तो गैमेट्स क्या थे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इधर भी सेम आ जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। उसके बाद दूसरा क्या था, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। उसके बाद थर्ड वन आएगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। इसी तरह ये आएगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या होगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसी तरह ये क्या होगा नेक्स्ट, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, देन स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। लास्ट क्या था, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, सेम इसी तरह इधर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल ए, ये वाला नेक्स्ट वन इधर लिखेंगे, कैपिटल बी, स्मॉल सी, फिर क्या होगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, ये वाला कैपिटल सी, फिर क्या होगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये लिखेंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये लिखेंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये लिखेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और ये लिखेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब हम इसको क्रॉस करते हैं, ये बाय द वे ट्राई अब्रॉड क्रॉस एक सेंस में लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें तीन जो है वो क्या है, आ रही है अपनी अलील, जो तीन जीन्स डिफरेंट है। अब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, इसी तरह इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा क्रॉस आप याद रख लें तो अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे ये करना क्रॉस, ठीक है, ये नहीं भी याद रहता तो कोई हर्ज नहीं है। इसको जो है हम फुल कंप्लीट करेंगे, यानी मैं इसको दो तीन करता हूँ, फिर आपको फुल जो है वो एक दफा लिख के बता दूंगा। ये कैपिटल ए, उसके बाद कैपिटल ए, फिर कैपिटल बी, कैपिटल बी, फिर कैपिटल सी, स्मॉल सी, इस तरह ये कंप्लीट करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ये देखिएगा जरा, ये हमारे पास आ गया, इसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, ये सारे वही गैमेट्स हैं जो कि प्रोड्यूस हुए और उसके रिजल्ट में जो हमारे पास ये आ गया, समझ आ गई। तो इसमें आपने गैमेट बनाने वाला तरीका जो है वो याद रख लेना है, ठीक है, कि हमने किस तरह से जो है वो बनाया था। अब फर्ज करें मैं आपको ये पूछ लेता हूँ, अब इसमें तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कहते हैं कि ये जो क्रॉस आपने आया, यानी ट्राई अब्रॉड क्रॉस लिया या जो ट्रेड्स लिए, इसके अंदर हमारे पास कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये कितनी दफा आया है। आप सिंपल क्या करेंगे, याद करें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मैं आपको वहां ले जाता हूँ, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस की वैल्यू फाइंड करनी थी तो मैंने क्या बताया था, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई के लिए 1/4, इसके लिए आपने क्या रखना है, हाइब्रिड के लिए 2/4, रिसेसिव के लिए आप क्या रखेंगे 1/4, सेम ही रूल अप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास, ये देखिएगा यहाँ पे, अब ये है हाइब्रिड, ठीक है, इसको अलग अलग कर लें, कैपिटल ए स्मॉल इसके लिए क्या हो सकता है 2/4, ठीक है, इसके लिए क्या होगा 1/4, इसके लिए क्या होगा अगेन 2/4, क्या होगा 2 × 4, 4 × 4 × 64, 64 ओवरऑल कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें 4 हमारे पास जो है वो कौन से होंगे, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। आप उनको इजीली यहां से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं, आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं आपको पूछता हूँ,
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कितने होंगे? आप सिंपल क्या करोगे, इसकी क्या है वैल्यू 2/4, इसकी क्या है 2/4, इसकी क्या है 2/4, आंसर क्या होगा 2 × 4, 4 × 8, 8/64। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, आपको पता चल जाएगा हमारे पास के जो कितने हमारे पास जो है वो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी जो है वो आते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी ओवरऑल 64 में से कितने प्रोबेबल चांस है ये वाली जीनोटाइप वाले सीड होगी, समझ आ गई। अब अगर हम इनकी फिनोटाइप की बात करते हैं, अगर आप ये वाला देखोगे ना, ये आपको यहां से आप स्टार्ट करोगे, ये क्या बता रहा है वाइट, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ये क्या हो रहा है कलर ऐड होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है, डार्क होता है, फाइनल जब यहाँ पहुंचता है फुल डार्क हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर हम देखेंगे ना, इस तरह मूव करते हैं, इस रीजन से इस तरह मूव करते हैं, तो इसमें क्या है डोमिनेटिंग अलील जो है उनकी एडिशन होती जा रही है। डोमिनेटिंग अलील का ऐड होना ये क्या है एडिटिव इफेक्ट है उस कलर के अंदर। यानी अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक अलील हुई है तो ये थोड़ा सा लाइट पिंक सा हो गया, ठीक है, उसके बाद दो हुई है तो पिंक हो गया, ठीक हो गया, दो अलील डोमिनेटिंग होगी तो पिंक, इसी तरह तीन होगी तो थोड़ा सा पिंक हो गया, सही। इसी तरह अगर हमारे पास चार हो जाती है तो ये क्या हो गया रेड, इसी तरह अगर पांच हो जाती है तो मॉडरेटली डार्क रेड, और छह भी छह होंगी तो ये क्या होगा डार्क रेड होगा। तो इसको आपने नंबर इस तरह से साइन कर लेना है, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे, ठीक है, ये टेबल आप कंप्लीट करिएगा खुद से। और उसके बाद यहाँ देखें, ये मैंने नंबर असाइन किया ना, इसका मतलब ये है आप ये याद रख लें कि अगर कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है, अगर कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, तो क्या होगा वाइट। कोई एक डोमिनेटिंग होती है, कोई एक डोमिनेटिंग होती है, मसलन कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, या ये कैपिटल बी हो जाएगा बाकी सारी रिसेसिव होंगी, ये कैपिटल बी हो जाएगा बाकी रिसेसिव होंगी, तो सूरत में लाइट पिंक होगा। इसी तरह ये दो कोई भी होंगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, ये हो जाएगा तो पिंक। इसी तरह तीन अगर डोमिनेटिंग होती है, कोई सी भी तीन हो सकती है, आपने ये याद रखना, कोई सी भी यहाँ से अगर चार हो जाए वो रेड हो जाएगा, ठीक है, पांच हो जाएंगी कोई सी भी, ठीक है, तो हमारे पास याद रख लेना वो क्या जाएगा मॉडरेटली डार्क हो जाएगा। इसमें कोई भी रिसेसिव हो सकती है, बी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये जो आप बता रहे नहीं, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो आप इस टेबल से जो है वो हो रहा इजिली जो है वो देख सकते हैं कि कितनी कहां कहां बन रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये, और अगर छह की छह आ जाती है तो डार्क रेड हो जाती है। कैंडिडेट्स में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी बताओ इसका कलर क्या होगा। दो डोमिनेंट है, दो डोमिनेंट है तो क्या होगा, यहाँ से देख लो पिंक। इसी तरह आपको अगर कह देता है वो, ठीक है, यदि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्या होगा आप सिंपल याद रखो, ये होगा सॉरी फाइव वाला होगा, ये आपने याद रखना है। आप पूछ सकता है वो आपको जीनोटाइप दे के ना ये वाली, ठीक है, जीनोटाइप दे के कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, आपको जीनोटाइप दे के वो फिनोटाइप पूछ सकता है, फिनोटाइप दे के जीनोटाइप पूछ सकता है। मसलन आपसे पूछ सकता है रेड में कितनी डोमिनेटिंग एलील हो सकती है, मसलन मैं आपको एक एमसीक्यू बता देता हूँ ना, फर्ज करें वो आपसे इस तरह पूछ लेता है, वो कहता है ये बताओ कि रेड में रेड ग्रीन कलर जो होगा उसमें जो है ना जीनोटाइप पॉसिबल है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, एक इसी तरह हमारे पास बी वो दे देता है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, चार्ली वो दे देता है आपको कैपिटल ए, हमारे पास इसी तरह स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, डेल्टा आपको दे देता है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। तो अब वो बताओ कि रेड कौन सी होगी इसमें जीनोटाइप, अब आपको बताया कि चार वाली होगी ना, चार होगा तो रेड, नंबरिंग मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया, चार होंगी तो रेड होगा, आपने नंबरिंग सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस किस तरह याद रखना है, देखो व्हाइट है उसमें थोड़ा रेड ऐड करोगे तो लाइट पिंक हो जाता है, और ऐड करेंगे तो पिंक हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो लाइट रेड, फिर ऐड करेंगे तो लाइट रेड रेड हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे मॉडरेटली डार्क रेड हो जाएगा, मजीद ऐड कर देंगे तो डार्क रेड हो जाएगा। तो ये क्या है एडिटिव इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट में क्या हो रहा है हमारे पास के जो अलील्स हैं वो एक डोमिनेटिंग अलील आने की वजह से अपना एक्सप्रेशन जो है वो क्या करती जा रही है ज्यादा से ज्यादा डार्क जो वो करती जा रही है। समझ आ गई इस बात की, होपफुली आपको ये जो है वो चीज हमारे पास जो है वो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है
ठीक है ये देखेंगे एग्जांपल। अब ये वही जो मैंने अभी आपको बताया, जीरो से, अब सबसे ज्यादा इस ग्राफ से पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा कौन से पॉसिबल है, लाइट रेड होते हैं, सबसे कम व्हाइट है, और उसके बाद ये सीक्वेंस जो है वो आपने याद रखना है ग्राफिकली, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये हाइट पे आप कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स को ले सकते हैं। अब हाइट में क्या होता है कि शॉर्ट, ठीक है, इसी तरह जिस तरह हमने पहले व्हीट ग्रेन कलर की बात की, इसी तरह जो है हम कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स को अप्लाई कर देते हैं किसके ऊपर, ह्यूमन हाइट पे। ह्यूमन हाइट में भी क्या होता है, शॉर्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, और देखो हाइट वेरी कर रही होती है, तो वेरी किस वजह से कर रही होती है, वो पॉलीजेनिक जीन्स की वजह से कर रही होती है। इसी तरह हमारे पास रोलिंग टंग, ठीक है, ये हाइट इन द क्लास के हवाले से एक एक्टिविटी की गई है, ठीक। इसी तरह ये हमें रोलर्स, नॉन रोलर्स, ये हमारे पास है यानी जो अपनी जुबान को रोल कर लेते हैं, ठीक है, ये रोलर्स होंगे, जो नहीं कर लेते वो नॉन रोलर्स होते हैं। नॉन रोलर्स जो है वो हमारे पास ज्यादा है, रोलर्स हमारे पास क्या है, कम है, ठीक। इसी तरह ह्यूमन स्किन की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन स्किन में भी सेम केस होता है, अगर स्मॉल है स्मॉल है, स्मॉल भी स्मॉल से स्मॉल सी होगा तो वेरी लाइट, अगर कैपिटल है कैपिटल है, कैपिटल भी कैपिटल भी, कैपिटल सी कैपिटल सी होगा तो बहुत ज्यादा डार्क कलर होगा, और उस सूरत में ये हमारे पास लाइट, इसको अगर हम क्रॉस करेंगे, ये स्पर्म फर्स्ट करीब रह गए तो इसको हम क्रॉस करेंगे, तो ये अंदाजा कर लें कि ये पूरा एक उन्होंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है कि यहाँ पे छह हमारे पास डोमिनेटिंग है, यहाँ पे बाकी पांच होंगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चार होंगी, तीन डोमिनेटिंग होंगी। तो जैसे जैसे हमारे पास स्किन कलर के अंदर आप कह लें कि आता जाती वेरिएशन आ जाती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है यहाँ पे मतलब दिखाई गई है उन्होंने। और ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ये पॉपुलेशन के हवाले से उन्होंने देखा हुआ है कि पॉपुलेशन के अंदर किस तरह से इसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो ये जो थ्री वाली है ना, ये सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है हमारे पास, समझ आ गई। और थ्री का मतलब क्या है हमारे पास, कि इसके अंदर कोई सी भी तीन हमारे पास जो है वो डोमिनेट हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद जीन लिंकेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मैं जरा एक दफा रिवाइज कर देता हूँ, हमने जो है वो पढ़ा, जो वो हमने मल्टीपल अलील के बारे में पढ़ा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ा, फिर आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसकी देखी, ठीक। इसी तरह डिजीज के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ गई पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से, फिर हमने बॉम्बे फेनोटाइप को एपिस्टेसिस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, उसके बाद कंटीन्यूअसली वेरिंग ट्रेड्स को विद एन एग्जांपल जो है वो हमने देख लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी आपको शो कर देता हूँ कि हमने चीज देखी है, ठीक हो गया। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो आपका जो लेक्चर 2 है, ये हमारे पास क्या रहता है, कम्प्लीट हो जाएगा।